अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। आज हम बना रहे हैं गोश्त। ये है बीफ आधा किलो, आधा किलो गो यानी बीफ गोश्त, पालक, पालक गोश्त बनाएंगे। पालक को मैंने पहले से जो है वो दूध में पका के, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दूध में पका के और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, और उसका जो बाकी जो मैंने छान लिया दूध जो बचा है वो हम इसमें डालेंगे। कैसे डालेंगे? सबसे पहले जो हमारा है, हम दो मैंने प्याज काट लिया है ऑलरेडी, प्याज कटी हुई प्याज हम डालेंगे और अपने चूल्हे को जला लेंगे। तो मुझे आज देर हो गई है, वैसे मैं खुला पकाता हूँ, लेकिन आज चूंकि देर हो गई है तो मैं बीफ और है भी बीफ तो मैं इसको कुकर में पकाऊंगा। तो अभी इसको हमने करना है गोल्डन ब्राउन, और गोल्डन ब्राउन करने के बाद फिर जो स्टेप्स है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ना प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और इस मौके पर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन जो कुटा हुआ है। इसमें मैंने जो है अदरक लहसुन कुटा हुआ है, प्लस इसमें मैंने जो है साबुत धनिया उसको भी कूट लिया है साथ में, और ये हम इसमें पेस्ट को इस पर डालेंगे और थोड़ी देर प्याज को इस पर भूनेंगे। क्या स्मेल आई है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना गोश्त। बिस्मिल्लाह, जब तक इसका रंग चेंज नहीं होता हम इसको खूब भूनेंगे इंशाल्लाह। और इसमें सारा जो है ना अदरक लहसुन साबुत धनिया और प्याज की जो खुशबू है वो रच बस जाएगी। बिलीव मी, इस वक्त भी, अभी कुछ भी नहीं डाला, इस वक्त भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे दो चार मिनट, और उसके बाद फिर अपने मसाले डाले। इसमें मसाले मैं जो है इसमें मसाले बहुत कम डालता हूँ, क्योंकि सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी, और इसमें कोई खास चीज़ जाएगी नहीं, बस इसका जो भूनना है, इसकी जो भुनाई है, जायका उसी में आता है सारा। हमने इसको काफ़ी देर भून लिया है, और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ हाफ टी स्पून देवी मिर्च, कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए, और एक टीस्पून लाल मिर्च, आधे से भी कम हल्दी सिर्फ कलर के लिए, और एक टीस्पून नमक। ये थे जी हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब इसको हमने काफ़ी देर, 5-7 सेकंड हमने ज़रा इसको भूनना है, और उसके बाद बस थोड़ा सा ज़रा भूनना है, शक्ल निकल आए, और साथ ही इसके ऊपर हमने डाल देने हैं हमारे दो टमाटर, दो नॉर्मल साइज़ के कटे हुए टमाटर हमने इसमें डालने हैं। मैं अब इसको भूनता हूँ मिनिमम 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद इसकी जो शक्ल निकलती है फिर हम इंशाल्लाह इसमें जो है पानी डाल के कुकर बंद कर देंगे। फिलहाल हम इसको टमाटरों के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए आप, मैंने इसको, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इसमें मैं पानी डालूं और इसको गलाऊं,
बिल्कुल कोरमे की तरह तैयार हुआ है। इसमें मैंने दो अदर जो है काट के हरी मिर्चें भी डाली हैं, आपको नज़र आ रही होगी। और अब हम इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला भून गया और मैंने इसको कम से कम 20 मिनट भूना है। हालांकि जब कुकर बंद करते हैं तो ज़रूरत नहीं होती प्याज और टमाटर को गलाने की, लेकिन मैंने अच्छा जायका बनाने की, क्योंकि हमारा जो ये पालक है इतना आसान काम नहीं है। पालक जो है उसमें जितना हम गोश्त में जायका लेके आएंगे, जितना भूनेंगे उतना पालक में जायका आएगा। तो मैं डाल रहा हूँ 2.5 कप पानी। अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला, गोश्त के अपने पानी में पका था, मसाला सारा गोश्त के अपने पानी में था, मैंने अब इसमें शामिल कर दिया 2.5 कप पानी और थोड़ा सा इसको हिला लेंगे। और हिलाने के बाद देखें क्या खूबसूरती आई है। अब इस वक्त हम अपना जो कुकर है कुकर को बंद करेंगे और कम से कम 20 से 25 मिनट जब वेव चलेगी उसके 20 से 25 मिनट तक हम इसको रहने देंगे। तो आपसे मिलते हैं 1/2 आवर के बाद। हमने आधे घंटे बाद जो है कुकर प्रेशर को खोल दिया है और ये बहुत ही प्यारा जो है गोश्त गल गया है, हमारा मसाला है। अब थोड़ा सा हमें जो है ना इसको भूनना है ताकि इसका पानी जो है वो खुश करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा पानी मैंने चेक कर लिया है। गोश्त हमारा जो है ना हलवे की तरह सही वेल डन हो गया, बहुत अच्छा गल गया है और ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसमें थोड़ी देर बाद जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे पालक। और जब मैं पालक डालूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा मैं जो है ना इसका पानी कम कर दूं, तो फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए जी, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी मैंने बिल्कुल पानी खुश कर दिया, बहुत खूबसूरत सा ये कोरमा स्टाइल बन गया है। अब हम इसमें टाइम है, इसमें हम शामिल करेंगे अपना जो हमने इसको छान लिया था बहुत ज़बरदस्त सा पालक। इसमें थोड़ी देर लगती है लेकिन बहुत ही हसीन बनता है। आज हमारा जो है ना ये बिल्कुल ऐसा मखमली और वेलवेलिटी किस्म का पालक गोश्त बनेगा। ये जो मैंने इसमें कुछ छाना था दूध में, हमने इसको पकाया था, जो छाना था वो दूध मैंने इसमें डाला और जो बचा है वो मैं इसमें डाल दूंगा। बिल्कुल इतना खूबसूरत पालक है हमारा, बिल्कुल जाया ना हो इसलिए मैं सारा बना रहा हूं। रियल में जैसे कहते हैं ना मखमली पालक गोश्त, वो तैयार हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको इसकी आंच जो है वो कम कर दूं। क्या बात है जी, क्या बात है जी, आप कलर देखिए इसका। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको दूध में थोड़ा पकाया था, दूध में इसको उबाला था, उसके बाद इसको ग्राइंड किया था पालक को। अब ये बिल्कुल ऐसा वेलवेटी किस्म का मखमली सा जो है ना और मुलायम मुलायम जो है वो पालक है। और इसका दूध डालने की वजह से ये सीक्रेट है कि इसका जो रंग है वो रंग ख़राब नहीं होता, रंग बहुत अच्छा रहता है पालक का। देखें हालांकि इतना मसाला है, इतना गोश्त है, उसके बावजूद पालक जो है एकदम उठ के निकल के आ रहा है, नज़र आ रहा है सामने। इसको मैं थोड़ा सा जो है पकाऊंगा
और यह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे हम लोग और बस ये तैयार है। अब मैं जो हूँ इसमें इस टाइम पे आधा चम्मच गरम मसाला खुशबू के लिए और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च जो है स्प्रिंकल कर रहा हूँ, इससे जो है खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। असल में मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है, आपको यही जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इसको आप डेढ़ गुना या डबल कर सकते हैं अगर 2 किलो बनाए। मैंने सिर्फ आधा किलो बनाया अपने घर के लिए, आधा किलो ही पालक था और आधा किलो ही तकरीबन पालक किलो के बराबर था, लेकिन वो पक के और बाद में ग्राइंड होके सब कुछ होके ब्लांच होके वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप समझ लें कि आधा किलो गोश्त है और आधा किलो ही पालक है, लेकिन मैंने इसको कम से कम 2 घंटे लगा दिए बनाने में, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूनना है। इसका जायका निकालना जो है वही सबसे बड़ी बात है। पालक जो है कोरमे से भी ज़्यादा जो है टाइम और कोरमे से ज़्यादा मेहनत लेता है, क्योंकि पहले आपने कोरमा बना दिया और उसके ऊपर फिर आपने उसमें पालक भी मिक्स करना है। इसको मैं सिर्फ जो है अब इस टाइम ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हमारा बहुत ही प्यारा पालक गोश्त तैयार हो चुका है। मैं अब आपको जनाब मैंने डिश आउट कर लिया है और आपको मैं खा के दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत सा फुलका और अब हम करते हैं इसको टेस्ट। मुझे तो लग रहा है कि बहुत 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 जबरदस्त होगा। लेट्स सी क्या होता है। गोश्त इतना प्यारा जो है ना वेल डन हुआ है, इतना प्यारा गल गया है। ये देखिए बहुत गर्म है। मैंने खुद बनाया इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। बिलीव मी जितनी मेहनत हुई है ना पैसे वसूल हो गए। बहुत मजेदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। मैं एक निवाला और खाता हूं, बहुत ही टेस्टी। बिलीव मी बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी बना है। बिस्मिल्लाह। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें प्लीज, और जितना हो सके लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी रेसिपी को ट्राई करें और बनाने की कोशिश करें। मेहनत बहुत है, लेकिन बहुत मजेदार बनता है। थैंक यू।